तो यहाँ पर हमारे पास अब तीसरे नंबर यानी कि थर्ड नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देख लो क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है एपी जो दिया हुआ है हमको, एपी या जो संख्याओं का समूह दिया हुआ, वो दिया है एक माइनस एक दशमलव दो, माइनस का तीन दशमलव दो, फिर यहाँ पर माइनस का पाँच दशमलव दो, फिर माइनस का सात दशमलव दो। ये हमारे पास एक संख्याओं का समूह यहाँ पर देखो दिया हुआ है। हमको क्या बताना है कि क्या यह एपी है या एपी नहीं है। तो बाबू ये क्या हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री और ये हो गया ए फोर। मतलब कहने का ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद यहाँ पर हो गया। अब अगर हमको एपी का पता लगाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, मतलब सर्वांतर निकालेंगे। यहाँ पर करेंगे ए टू माइनस ए वन, तो माइनस तीन में दशमलव दो और माइनस करेंगे माइनस एक दशमलव दो। इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आएगा, माइनस तीन दशमलव दो माइनस माइनस प्लस एक दशमलव दो, दो से दो जीरो हो जाएगा, दशमलव तीन में से एक घटाएंगे माइनस का दो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितना निकाला, ए टू माइनस ए वन निकाल रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है, माइनस का दो निकल के आ रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं ए थ्री माइनस ए टू करते हैं, ए थ्री कितना है, माइनस का पाँच दशमलव दो, ये है माइनस का पाँच दशमलव दो, माइनस यहाँ से हमको घटाना है कितना, माइनस का तीन दशमलव दो, माइनस का तीन दशमलव दो। इसको सॉल्व करो, माइनस पाँच दशमलव दो और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तीन दशमलव दो, दो में से दो जीरो फिर से हो जाएगा, माइनस पाँच में अगर प्लस तीन डाल देते हैं तो फिर भी हमारे पास माइनस दो यहाँ पर बच रहा है। यानी कि ए थ्री माइनस ए टू हमने निकाला, ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है तुम्हारा माइनस का दो। अब देखते हैं ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर का मान कितना है, माइनस सेवन डेसिमल टू और माइनस का है, ए थ्री का मान है पाँच दशमलव दो। इसको सॉल्व करो, माइनस सात दशमलव दो, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस पाँच दशमलव दो, दो में से दो जीरो और सात में से पाँच घटाएंगे दो। यानी कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गौर से देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमको आ रहा है, यहाँ ए टू माइनस ए वन बराबर है ए थ्री माइनस ए टू बराबर है ए फोर माइनस ए थ्री, ठीक है जी, बराबर है कितना है, ये कितना निकला हमारा दो, माइनस का दो निकला है, कितना निकला है माइनस का दो। तो ये क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी संख्याओं का समूह दिया हुआ है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, हर दो पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस दो आ रहा है, मतलब सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस बराबर है। यहाँ सर्वांतर समान है, ठीक है, अतः यह किस में है, अतः यह एपी में है। अब बाबू सर्वांतर कितना है, यहाँ ए बराबर तो दिख रहा है, ए बराबर कितना है बाबू, पहला पद क्या है वही बता दो, माइनस एक दशमलव दो, देन डी बराबर यहाँ पर कितना निकल रहा है, माइनस का दो। अब आगे का तीन पद हमको यहाँ निकालना है, चार पद तो पहले से दिए हुए हैं, एक दो तीन चार, मतलब हमको पांचवा पद निकालना है, यानी ए फाइव निकालना है बाबू। तो ए फाइव बराबर निकालेंगे तो ए प्लस फोर डी होगा, ए का मान है माइनस एक दशमलव दो और प्लस में फोर इंटू डी का मान है माइनस का दो। देखो गौर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक दशमलव दो और माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो चार दूनी माइनस का आठ, कितना हो जाएगा जरा बताओ, नौ दशमलव दो, कितना हो जाएगा ये, नौ दशमलव दो, ये हो जाएगा हमारा नौ दशमलव दो। और ये जो होगा ये होगा माइनस में तुम्हारा, ए फाइव निकाला हमने, ए सिक्स निकालते हैं, तो ए सिक्स बराबर लिखेंगे तो ये होगा ए प्लस फाइव डी, ए का मान यहाँ पर कितना है, माइनस का एक दशमलव दो और प्लस में फाइव का फाइव होगा और डी का मान है माइनस का दो। इसको सॉल्व करो, माइनस एक दशमलव दो और पाँच दूनी माइनस का दस, यहाँ पर देखेंगे कितना होगा, दस माइनस दस और माइनस एक दशमलव दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ग्यारह दशमलव का दो,
कितना हो गया माइनस 11.2। देन इधर आ जाए, अब देखना ए सेवन निकालेंगे तो ए प्लस 6D होगा हमारे पास, ए का मान कितना है माइनस 1.2 और प्लस 6 और डी का मान है माइनस का 2, तो माइनस 1.2 और माइनस 6 × 12 एक माइनस का 13.2। तो ये हमारा जो है ना आगे का तीन पद हमने यहाँ पर निकाल लिया है। क्या लिखेंगे, अतः एपी का अगला तीन पद ये हमने क्या निकाला है, देखो पहला क्या निकाला है हमने, पहला निकाला है 9.2, दूसरा निकाला है 11.2 और तीसरा निकाला है 13.2। ये सारे के सारे किसमें हैं, माइनस में। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। कितना नंबर प्रश्न था ये हमारा, तीसरे नंबर का प्रश्न था। आगे देख लेते हैं, ये तीसरे नंबर का प्रश्न खत्म हो गया, चौथे नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, माइनस 10 फिर है माइनस 6 फिर है माइनस 2 फिर है 2 फिर पता नहीं, ये आगे नहीं दिया है। मतलब तुम जा सकते हो, अगर एपी में होगा तो पता तो कर ही सकते हैं। यहाँ भी सेम काम करना है हमको। देखो A1 हो गया माइनस 10, A2 हो गया माइनस 6, A3 हो गया माइनस 2 और A4 हो गया यहाँ पर तुम्हारे पास 2। करना क्या हमको, सर्वांतर निकाला है हर दो पदों के बीच का अंतर। यहाँ A2 माइनस A1 करो बाबू, A2 का मान कितना है, A2 का मान है यहाँ पर माइनस 6 माइनस A1 का मान है माइनस का 10। इट मीन्स यहाँ पर देखेंगे माइनस 6 और प्लस में माइनस माइनस प्लस में 10, 10 प्लस में 6 माइनस में मतलब यहाँ पर होगा तुम्हारा 4। तो A2 माइनस A1 क्या, यहाँ पर निकला हमारा 4। आगे देखो, यहाँ पर A3 माइनस A2 करते हैं, A3 का मान है माइनस का 2 माइनस A2 का मान है यहाँ पर माइनस का 6, माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ भी बच जाएगा 4। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको करना है A4 माइनस A3, A4 का मान है 2 और यहाँ से माइनस A3 का मान है माइनस का 2, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बराबर में 4। कहने का क्या मतलब है, A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं 4 निकल रहा है, A3 माइनस A2 निकाल रहे हैं वो भी 4 निकल रहा है, A4 माइनस A3 निकाल रहे हैं वो भी 4 निकल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के, और ये कितना है 4। अतः क्या है, अतः यह AP में है। किसमें है, ये AP में है। अब अगर यहाँ पर हम देखें A का मान क्या है, A का मान यहाँ पर तुमको मिल जाएगा माइनस का 10 और D का मान जैसा कि हमने निकाला है यहाँ पर कितना, 4 का अंतर है तो D का मान हो गया तुम्हारा 4। आगे का हमको तीन पद लिखना है, मतलब 4 पद तो दिया है, 5वां, 6ठा और 7वां पद लिखना है। तो A5 बराबर लिखेंगे A प्लस 4D बराबर A का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है 4 है बराबर माइनस 10 प्लस 16, कितना हो गया, 16 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो गया तुम्हारा, कितना हो गया 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। A5 निकला हमारा, A6 निकालना है यानी 6ठा पद निकालना है, A प्लस 5D हो जाएगा माइनस 10 प्लस 5 इंटू D का मान है कितना 4, कितना हो गया ये तुम्हारा माइनस 10 और प्लस 20, कितना हो गया ये 10, 20 में से माइनस 10 हटा हट चला जाएगा, 20 प्लस में है 10 माइनस में तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा सॉल्व करोगे तो। फाइनली हमको निकालना है A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D यहाँ पर लिखेंगे, तो A का मान कितना है माइनस 10 प्लस 6D करना है, 6 इंटू D का मान है 4 माइनस 10 प्लस 6 चौका 24 प्लस में है माइनस 10 माइनस में है मतलब 24 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः AP का अगला तीन पद ये क्या हो जाएगा हमारा 6, 10, 14। आगे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन।